है, करना ये है कि जो भी प्रश्न पत्र आ रहे हैं जनरल स्टडीज से रिलेटेड, उनको आपको सबसे पहले एक कॉपी बनानी है। आपको कॉपी के अंदर पहले पेपर के अंदर जितने भी प्रश्न आए हैं, और मैं अपने सब्सक्राइबर से भी कहना चाहता हूँ कि जितने भी आप पेपर हो रहे हैं उनको आप कॉपी में नोट करिए। जैसे 20 प्रश्न फर्स्ट पेपर में, 20 सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, ठीक है, जितने भी प्रश्न हैं उनको अलग अलग कॉपीज़ में नोट कर लीजिए। और जो लोग आने वाले टाइम में 21 में, 22 में, 23 में कभी भी देंगे, उनको लिखने का प्रयास ज़रूर करना है। और लिखने का प्रयास आप कब करोगे, जब आपके पास वो मैटर हो कहाँ से लिखना है। तो डेफिनेटली मैं आपको हमेशा ही बताता रहता हूँ कि आपको योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन दोनों अवश्य पढ़नी है, वो ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये क्या है, सरकार के द्वारा निकाली जाती हैं। अब थोड़ा सा ये सोचिए कि जो पेपर बनाने वाले हैं, अब पेपर बनाने वाले के डेली करंट अफेयर्स में से बनाएंगे, बैठे हुए हैं ऐसे पेपर पढ़ रहे हैं वो न्यूज़पेपर, अरे इस प्रश्न को बनाऊंगा मैं, ऐसे करके बनाएंगे, सोचिए आप ज़रा, ऐसे करके कभी लगता है कि कभी बनाते होंगे, नहीं बनाते हैं। दो तीन तीन महीने पहले पेपर बनता है, ठीक है, क्वेश्चन बनाने की कह दी जाती है लगभग एक महीने पहले उनसे कि प्रश्न बनाइए ऐसे कुछ जो कि एक साल के अंदर, दो साल के अंदर करंट अफेयर्स में चले हों, ठीक है, इस प्रकार की बातें करी जाती हैं। तो आपको करना क्या है इसमें, वो करते क्या हैं कि जैसे मान लीजिए सरकारी जितनी भी मैगजीन्स हैं उनको उठाते हैं, वो चाहे वो योजना हो, कुरुक्षेत्र हो, ठीक है, साइंस रिपोर्टर एक रेपुटेड है उसको ले लेते हैं, वो विज्ञान प्रगति जिसे बोलते हैं, ठीक है, साइंस रिलेटेड प्रश्न वहाँ से आएंगे सारे के सारे, है ना। और आपकी कुछ सरकारी जैसे भारत 2020 करके या 21 करके जो आने वाले टाइम में आएगा वो, ठीक है, तो इन पुस्तकों को उठाते हैं, उन मैगजीन्स को उठाते हैं, उनमें से वो प्रश्न बनाते हैं, चाहे वो प्री का हो चाहे वो मेंस का हो, ठीक है। बाकी के प्री के जो प्रश्न बनेंगे वो कहाँ से बनेंगे, वो आपके एनसीईआरटी से बनेंगे, चाहे मेंस में कुछ बेसिक्स बन रहे हैं वो एनसीईआरटी हुआ, एनआईयूएस की बुक्स हुई, या फिर आपके ये इग्नू के नोट्स हुए दोस्तों, वहाँ से आप बनाते हैं वो लोग। और आप क्या करते रहते हो, पढ़ते रहते हो समरी। कुछ लोग तो मुझसे, आप लोगों में से सब्सक्राइबर में से पूछ रहे थे कि सर जी हम जिस्ट पढ़ लेंगे, जिस्ट आजकल जिस्ट बहुत चल रहा है, द हिंदू का जिस्ट, ये जिस्ट वाले जिस्ट ही होते रहते हैं जब तक ये, देखिए ये कमाने का एक माध्यम है, वो एक अलग चीज़ है कि आप कितना क्या कर रहे हो वो अब अलग डिपेंड करता है आप लोगों पर, लेकिन करना क्या है वो इम्पोर्टेंट है। तो आप छोटी सी दो तीन मैगजीन आती हैं, ठीक है, आप लोग तो करते ही हो, दो तीन मैगजीन आती हैं, मैं अक्सर बताता रहता हूँ आप लोगों से कि आपको दो तीन मैगजीन पढ़नी है, ठीक है, वो कौन सी हैं, योजना हुई, कुरुक्षेत्र हुई, ठीक है। तो बता रहा था मैं क्या कि जो प्रश्न हैं उनको हल कैसे करना है आपको, तो हल करने के लिए आपके पास मैटर होना चाहिए, मैटर मिल गया आपको, मुझे पता है कि आप मिल गया, योजना कुरुक्षेत्र मिल गई, एक साल के पिछले एक साल की आई हुई मैगजीन्स को आप उठा लीजिए, उनके टॉपिक्स देखिए और मिलाइए, कहाँ पर मिलाइए, अपने जो प्रीवियस जो पेपर चल रहे हैं ना अभी मेंस एग्जामिनेशन के, उनसे मिलाइए, उस टॉपिक को पढ़िए, और सबसे पहले उस टॉपिक को वहाँ से पढ़ लीजिए। और टॉपिक पढ़ने कौन से हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे आपको बतानी है। जैसे योजना के अंदर जो होता है ना कवर पेज जो होता है उस पर जो लेख होते हैं, विशेष लेख करके आते हैं, 3 से 4 लेख आते हैं, उनको पढ़ना है बस, और कुछ नहीं पढ़ना आपको दोस्तों, कुछ भी मत पढ़िए, जो आलेख विशेष आलेख करके आता है वो आप पढ़िए, ठीक है, सब्सक्राइबर से भी बोल रहा हूँ मैं, वही पढ़िए बस, उन्हीं में से प्रश्न बनते हैं, चाहे वो प्री एग्जामिनेशन हो, मेंस एग्जामिनेशन हो, ठीक है, क्योंकि वो रेपुटेड थोड़े ज़्यादा लोग होते हैं, विशेष लेख होता है वो रेपुटेड ज़्यादा लोग होते हैं, सरकारी मशीनरी के अंदर वो कार्यरत लोग होते हैं, तो उनकी जो कही गई बातें हैं उन पर 100% क्या किया जा सकता है, विश्वास किया जा सकता है। इस वजह से जो प्रश्न बनाने वाले हैं उनके लेख में से कुछ चीज़ें जो है, चाहे वो मेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड हो चाहे प्री एग्जामिनेशन से रिलेटेड हो, वहाँ से वो पुटअप कर लेते हैं, वहाँ से लिया आपके लिए बना दिया। लगभग एक साल की आप मैगजीन निकाल लीजिए, एक साल की यानी कि 12 मैगजीन्स योजना की हो गई, 12 आपकी कुरुक्षेत्र की हो गई, विज्ञान प्रगति अभी छप नहीं रही है, अब छपने लगेगी आने वाले टाइम में, ठीक है, तो वहाँ से विज्ञान से संबंधित चीज़ें आती हैं, ठीक है, डाउन टू अर्थ एक वेबसाइट है वहाँ से चीज़ें आ जाती हैं कभी कभी, लेकिन उसे भी आप छोड़ दीजिए, मैं केवल मैगजीन की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर सब कुछ मैगजीन पर आती हैं चीज़ें, वो जो वेबसाइट पर आएंगी, जो आपको टीचर्स बताएंगे, वो कुछ भी हो चाहे वो न्यूज़पेपर में आ रही है, वो उनको नहीं लेंगे, जो प्रश्न बनाने वाला है उसके माइंड तक पहुँचना है ना, वो क्या न्यूज़पेपर सारे निकालेंगे बनाते समय कि लाओ भैया एक साल पुराने न्यूज़पेपर लेके आओ आज मुझे बनाना भैया पेपर,
ठीक है, ऐसे तो कभी कहेंगे नहीं वो, ऐसे नहीं बैठते हैं, वो सीधे निकालते हैं मैगजीन निकाल लें, ठीक है, जो भी जैसे बजट हुआ तो बजट का निकाल लिया, ठीक है, आर्थिक समीक्षा निकाल ली उन्होंने, उसमें से बना दिया प्रश्न, इस प्रकार से दोस्तों बनते हैं प्रश्न, ठीक है, जो कि मंथली मैगजीन आती हैं उनके आधार पर, ना कि जो आप कुछ लोग पीआईबी अल्लाह मचाएंगे कि पीआईबी, बिल्कुल पीआईबी से तो आता ही है, पीआईबी सरकार की वेबसाइट है तो बिल्कुल वहां पर भी मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, समय खर्च करना पड़ेगा, डेली समय खर्च करना पड़ेगा, जबकि वही चीज़ जो है इम्पोर्टेंट, जो उनकी चीज़ें हैं वही सब किस में आ रही हैं, जो योजना कुरुक्षेत्र हैं उनके अंदर वो इंक्लूडेड हो जाती हैं, और आप मैगजीन पढ़ते हो ना क्रॉनिकल, उसमें सारी की सारी पीआईबी से रिलेटेड न्यूज़ भी आ जाती हैं कुछ इंपोर्टेंट, तो आप वहाँ से उस चीज़ को फैक्ट्स को कवर कर सकते हो। तो ये जो मचा रखा है लोगों ने कि ये वेबसाइट पढ़िए, उस पर जाइए, वो करिए, ये करिए, वो करिए, सबको छोड़ दीजिए करंट अफेयर्स के लिए, डेली करंट अफेयर्स पढ़ना, यानी कि डेली करंट अफेयर्स पढ़ना बिल्कुल यूपीएससी के लिए समय बर्बादी है, ठीक है, आप चाहो तो उसे कवर कर सकते हो टाइम पास के लिए, ठीक है, वरना एक नॉलेज के लिए, मतलब प्रश्न नहीं बनेंगे वहाँ से, आपकी नॉलेज बढ़ सकती है, जैसा कि सभी लोग दिल्ली मुखर्जी नगर में या अन्य, आजकल तो यूट्यूब है तो यूट्यूब से सब लोग पढ़े हुए हैं, द हिंदू की समरी, इसकी समरी, उसकी समरी पढ़ने में लगे हुए हैं, लगे रहिए आप लोग, ठीक है, लेकिन आपका वो क्या हो रहा है, समय बर्बाद हो रहा है, लेकिन समय आपको देना है, और योजना कुरुक्षेत्र को तो लास्ट में देते हैं लोग कि योजना भी पढ़नी है, कुरुक्षेत्र भी पढ़नी है, और ऊपर से टीचर जो दिल्ली मुखर्जी नगर वाले जो टीचर है ना, वो आपसे कहेंगे योजना कुरुक्षेत्र तो बस नाम के होते हैं, कोई पढ़ता नहीं है, इसी वजह से उनके सिलेक्शन नहीं होते हैं, ठीक है, सिलेक्शन जब ही होगा जब आप सटीकता पर पहुँचोगे, और सटीकता क्या है, योजना कुरुक्षेत्र, विज्ञान प्रगति और एक क्रॉनिकल, ये तीन चार मैगजीन है, इनको आप रेगुलर पढ़िए, एनसीईआरटी की बुक्स पढ़िए अच्छे से, ठीक है, वहाँ से आपको मैटर मिलेगा लिखने का, ठीक है, तो जो ये जो प्रश्न पत्र जितने भी आ रहे हैं उनके प्रश्न लिखिए, मैटर कहाँ है, एक साल की मैगजीन उठा लीजिए पूरी की पूरी, टोटल, ठीक है, मैगजीन उठा लोगे उसमें से वो आलेख उठाइए जहाँ से प्रश्न बना है, आपको समझ में आ जाएगा, जब एक साल की पुरानी मैगजीन उठा लोगे ना योजना कुरुक्षेत्र की, हम अपने पेड ग्रुप में भी इसको प्रोवाइड कराते हैं मैगजीन्स को, ठीक है, अब पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराते हैं इसी वजह से, ठीक है, क्योंकि वहाँ से चीज़ें बन रही हैं, और मैंने वीडियो भी बनाया था, वहाँ से पहले पढ़िए फिर अपने लिखने का प्रयास कर लीजिए, कैसे लिखना है इससे रिलेटेड मैंने काफ़ी वीडियो बनाए हुए हैं, आने वाले टाइम में भी मैं बना दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है, तो ये चीज़ दोस्तों आप भी करिए, और आप लोग तो मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप लोग तो करिए। तो ये छोटी सी यदि आपने बात समझ ली कैसे लिखना है, कैसे तैयारी करनी है, तैयारी करने के लिए आपके पास मैटर होना चाहिए, वो मैटर आपको प्रोवाइड कराते हैं कौन, सरकारी जो मैगजीन्स हैं वो, चाहे वो भारत 2020 या 21 जो भी बन आएगा वो हो, योजना हो, कुरुक्षेत्र हो, विज्ञान प्रगति हो, ठीक है, इनको आप पढ़ते रहोगे, सरकारी एनसीईआरटी हैं, एनआईयूएस की बुक्स हैं, इग्नू के नोट्स हैं, इन पर बार बार फोकस करोगे, पुरानी एनसीईआरटी हैं इन पर फोकस करोगे तब तो कुछ हो पाएगा, वरना पढ़ते रहिए जिस्ट विस्ट आपकी हो जाएगी ट्विस्ट, ठीक है, तो अपने सब्सक्राइबर के लिए बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग जो भी मैंने ये चीज़ बताई है, छोटा सा एक वीडियो मैं कट करके डाल रहा हूँ इसे, और आप ज़रूर इस पर ध्यान दीजिए, इस प्रकार से आप कवर करिए, लिखने का प्रयास करिए ज़रूर, ठीक है, कैसे लिखना है उससे रिलेटेड वीडियो बनाए हैं, आने वाले टाइम में भी मैं बना दूंगा, तो योजना कुरुक्षेत्र निकाल के देखिए, एक साल पुरानी, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, तो इस वीडियो को तो मैं यहीं पर विराम देता हूँ, ठीक है, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। हाँ, तो देखिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि इस प्रकार से चीज़